सत श्री अकाल की हाल चाल तुसी अपनी फूडी तस्वीर देना। तो आज हम बहुत देर के बाद आए हैं एक फूड ब्लॉग में, फूड ब्लॉग बनाने आए हैं, मैं नहीं आए बनाने आए हैं। तो कहाँ आए आज हम? रावलपिंडी फूड। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जम्मू वाला रावल है, जम्मू वाला बट इनकी जम्मू की बाहर की ब्रांच है, लाइक बाहर इन द सेंस की थोड़ी आउटस्कर्ट्स में है कि जो विजयपुर सांबा वाले लोगों को भी पास पड़े, हम वैसी वाली ब्रांच में आए हैं इनकी। तो मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ आए हैं। तो हम आए रावलपिंडी स्वीट्स में, ये आप देख सकते हैं, ये रावलपिंडी, ये वही वाला रावलपिंडी है जो जैन बाजार और त्रिकुटा नगर में है। इन्होंने अपना एक नया आउटलेट खोला है, वो है ठंडी खुई के पास। बस ये यहाँ से ठंडी खुई हार्डली कोई 5 मिनट के रास्ते में और 17 माइल्स के पहले है ये, मतलब 17 माइल्स से हार्डली थोड़ा ही डिस्टेंस होगा। तो आप यहाँ आए और संडे को बहुत मज़ेदार, यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे वैरायटी है इनके पास, और संडे को क्या मज़ेदार खा सकते हैं, यहाँ के छोले पूड़ी बहुत ही बढ़िया देते हैं। बल त्रिकुटा नगर वाला आउटलेट तो मेरा इनका मोस्ट फेवरेट है। अब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे भी ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। जैसे कि हम आए हैं संडे के दिन और आप देख सकते हैं संडे को यहाँ बहुत ज़्यादा रश है, ऐसे और भी डेज में रश होता है बट संडे को थोड़ा ज़्यादा रश है। क्यों? क्योंकि संडे को मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं बाहर खाना। तो आप ये देख सकते हैं इनका ये आउटलेट कितना प्यारा है, कितना मतलब सुंदर है, इसका एम्बियंस देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर इनके पास वैरायटी ऑफ स्वीट्स है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका एम्बियंस देख रही हूँ, बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ स्वीट्स है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। और यहाँ पे इनके पास पिज़्ज़ा भी है, वहाँ चीज़ें थोड़ी कम है बट वहाँ के छोले भटूरे बहुत ही यम्मी है। और यहाँ पे मिठाई की भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा रेंज है। तो इस वाली रावलपिंडी में हमें भटूरे भी मिलेंगे, वो देखिए अंकल जी भटूरे बना रहे हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो ये देखिए भटूरे और पूड़ी में क्या फर्क अंकल? हाँ जी, भटूरे और पूड़ी में क्या फर्क है? इसमें थोड़ा मसाला लगता है, बेकिंग पाउडर लगता है, लगता है। अच्छा, मतलब भटूरे और उसका अलग अलग होता है दोनों का थोड़ा। अच्छा, दोनों में डिफरेंस होगा। और आप ये देख सकते हैं कितने फूले फूले भटूरे, मतलब देखने में ही मजा आ रहा है ना। ये देखिए अभी ये पूरे अंकल फुलाएंगे, अभी हम देखते हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ऐसे 2 मिनट बाहर निकालने से क्या होता है? हवा लग जाता है। अच्छा, अच्छे से हवा लगने से अच्छे से फूलता है। ये देखिए उन्होंने हवा लगाई और ये भटूरा कितना बढ़िया फूला इनका। तो ये देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और कुरकुरा है, मुझे ऐसे ही पसंद है, वो सॉफ्ट सॉफ्ट वाले पूड़ी और भटूरे नहीं, मुझे कुरकुरे पसंद है। तो अभी लगाते हैं अपनी प्लेट और ये देखने में ही मुझे मतलब बड़ा मज़ा आ रहा है। अगेन अगेन मैं यही वाला शूट कर रही हूँ, मतलब भटूरे बड़े ही सुंदर लग रहे हैं कसम से। और ये जो उसको दोबारा हवा दे रहे हैं ना, हवा से क्या हो रहा है कि वो अच्छे से फूल रहे हैं। तो अभी चलते हैं और अंदर अपनी प्लेट लगवाते हैं। देख सकते हैं तो ये भटूरे और पूड़ी के साथ क्या सर्व करते हैं, ये अचार है, ये प्याज है, ये ओरिया वाले आलू है, और ये क्या भैया मीठी चटनी है कि खट्टी मीठी है? ये देखिए ये अमचूर वाली चटनी है और ये इनके ओरिया है जो ये साथ में सर्व करते हो। साथ में ये सर्व करते हैं ये आलू, और आलू के साथ ये सर्व करते हैं ये चने, और चने देख सकते हैं आप कितने बढ़िया लग रहे हैं। और लगाते हैं अब अपनी प्लेट। तो ये लग रही है हमारी प्लेट। तो ये अचार है, अचार दे रहे हैं, डाल
अचार के साथ प्याज, ये प्लेन प्याज, वो प्याज नहीं मिलेगा सर? हाँ, अच्छा भटूरे के लिए अलग से प्लेट है, उसके लिए प्लेन प्याज है। तो साथ में क्या देंगे? चने और चने के चने, ये आलू नहीं मिलते उसमें? अच्छा, ये भटूरे में सिर्फ आपको चने मिलेंगे और छोले पूड़ी लेंगे तो उसमें आपको ये आलू भी मिलेंगे और वो मसाले वाला प्याज भी मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा। फिर भटूरे की प्लेट आपकी अलग से रहेगी। ऐसे लग रहा है कि मुझे चने पूड़ी की प्लेट लगानी चाहिए, तो हम चने पूड़ी की प्लेट ही लगवाएंगे। तो ये भटूरे की प्लेट जैसे उन्होंने बनाया, उसमें प्लेन प्याज, अचार और चने आते हैं और साथ में गर्मा गर्म भटूरे आते हैं। तो वो रहे भटूरे और भटूरे आ रहे हैं और वेट हो रहा है एक भटूरे का, एक है अभी, एक का इंतजार हो रहा है। वो देखिए गर्मा गर्म मज़ेदार भटूरा आ गया इस प्लेट में लगने के लिए। तो ये आ गई भटूरे की प्लेट। भटूरे के साथ साथ आपको परौंठे भी मिलेंगे, जो परौंठे खाना चाहते हैं वो परौंठा भी खा सकते हैं। और यहाँ पे आटे का ही परौंठा बनता है, मतलब कि मिक्स नहीं होता मैदा और आटा, प्रॉपर आटे का ही होता है। तो अभी भैया लगा रहे हैं मिक्स परौंठा। तो ये बन रहा है आलू का परौंठा, ये मिक्स परौंठा, ये भैया बना रहे हैं मिक्स परौंठा। तो आप देख सकते हैं इन्होंने फिलिंग पूरी डाली थी, वो मैं थोड़ा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ उनका फिलिंग। फिलिंग मतलब कि पूरा फुल ऑन था। और आप साइज देख सकते हैं कितना बढ़िया साइज है इसका। ये भैया कर रहे हैं इसको परांठे को राम राम। आप देख सकते हैं ऊपर से मुझे स्टफिंग दिख रही है, मतलब इन्होंने बहुत बढ़िया स्टफिंग डाली थी, खुली खुली स्टफिंग डाली थी पूरा भर के, ऐसा नहीं कि कंजूसी से, बहुत ही मतलब ज़बरदस्त स्टफिंग डाली थी। अब बन रहे हैं परांठे। ये रहा आलू का मिक्स परांठा, नेक्स्ट बन रहा है पनीर का परांठा। ये रही पनीर की स्टफिंग, और आप देख सकते हैं इन्होंने कितना बढ़िया क्वांटिटी में पनीर डाला, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में। और इसे ये बंद कर रहे हैं, देखिए बंद करने में इनको दिक्कत हो रही है, बिकॉज़ की पनीर इन्होंने बहुत ज़्यादा डाला है। पर मुझे इनके पराठे बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये देखिए ब्रेकफास्ट में, मतलब कि पूरी के पूरी और भटूरे के सिवाय आप परांठे भी खाना पसंद करते हैं ना, जो परांठे के दीवाने हैं वो यहाँ पे आके परांठे खा सकते हैं। और आप जिन पूरी छोले भटूरे पूरी छोले लवर्स या परांठे लवर्स, उन सबको टैग कर सकते हो, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो, वो यहाँ आए और ट्राई करें और बहुत ही मतलब कि लुफ्त उठा सकते हैं इसे यमी यमी खाने का। तो ये देखिए आलू का मिक्स परांठा, मैं इसको बार बार आलू कह रही हूँ, ये मिक्स परांठा है, कितना बढ़िया तैयार हो गया है। और यहाँ ये पनीर का भी राउंड राउंड रेडी हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी फिलिंग डाली थी कि वो साइड से बाहर ही आ रही है। तो आप यहाँ आके परांठे भी ट्राई कर सकते हैं और आपको सच में बहुत पसंद आने वाले हैं। तो आप अपने जिन फ्रेंड्स को परांठे बाहर खाना पसंद है उनको टैग करें और उनको बोलिए यहाँ आके वो ज़रूर ट्राई करें, उनको बहुत बढ़िया लगेगा। और बीच में से ये परांठा कट करके देते हैं, वैसे ही इजली होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है साथ में, थोड़ा कि कच्चा ना रहे, अच्छे से पका रहे हैं। तो अभी पहले भटूरे लगे थे, आप लग रही है पूड़ी, ये देखिए अंकल लगा रहे हैं पूड़ी, और ये पूड़ी भी एकदम फूल रही है बढ़िया से। वो देखिए अंकल पूड़ी कर रहे हैं और इसके अंदर पिट्ठी की फीलिंग है ना अंकल, ये देखिए अभी ये घुमा के पूड़ी डालेंगे। तो ये देखिए डालते ही ये फूल रही है, तो इसको भी हवा देने के लिए 2 मिनट बाहर निकाला है, देन हवा दी और ये अंदर, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फुलाव आया पूड़ी में। तो ये देखिए बढ़िया सी पूड़ी हमारी बन गई है। अब लगवाते हैं पूड़ी के लिए प्लेट। बढ़िया के अभी तो लग रही है ये अचार प्याज, ये हमारे ओरिया जो कि जम्मू वालों की स्पेशलिटी है, उनको बहुत पसंद है। और ये कौन सी चटनी थी? मीठी चटनी जिसमें अमचूर डालते हैं ना थोड़ी खट्टी करने के लिए। और ये डालेंगे आलू और ये डालेंगे साथ में चने। आपको डिफरेंस पता है चल ही गया होगा भटूरे की प्लेट में और पूड़ी की प्लेट में क्या डिफरेंस है। तो यही इतना सा ही डिफरेंस है कि उसमें ओरिया नहीं मिलता है और प्लेन प्याज मिलते हैं, इसमें ओरियो और पेड़ प्याज दोनों मिलते हैं। और ये साथ में हमारी पूड़ी।
प्लेटें लग चुकी हैं, आप देख सकते हैं ये बटपूरा, ये हमारा मिक्स परांठा, ये हमारी तवा चाप और ये कलाड़ी, जम्मू वालों की फेवरेट, और ये चिल्ली भी है। अभी हम ट्राई करते हैं अपना बटपूरा, आप देख सकते हैं कितना फूला हुआ है। और आपको मैंने डिफरेंस बता ही दिया था, अगर आप पूड़ी लेंगे तो पूड़ी में आपको ओरिया मसाले वगैरह प्याज सब कुछ मिलेगा, बट चने में भटूरे के साथ आपको प्लेन प्याज आलू और अचार और चने मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, मतलब कि इनका टेस्ट बिल्कुल त्रिकुटा नगर वालों के जैसे है। थोड़े स्पाइसी हैं ये, पर मज़ा आ रहा है खाने में। और ये जो भटूरा भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है, मतलब कि सच में चार चांद लगे, बहुत मज़ा आ गया। और ये जो इनका सब खाना है ना, सब देसी घी में प्रिपेयर होता है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अभी हम ट्राई करते हैं परांठा। सबका फेवरेट अमूल बटर, तो लेते हैं हम बटर साथ में। तो आप अगर आप इसकी स्टफिंग देखें, ये देखें स्टफिंग अंदर की पूरी फुल है। तो ये मैंने बाइक को तोड़ी थी इसको, ये चने और ये नहीं ना, मेरे मतलब है जैसे मैं खट्टा नहीं पसंद करती हूँ ना, नहीं एकदम खट्टा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और मुझे आलू वाले परांठे मेरे को ज़्यादा फेवरेट नहीं है, बट ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप आएँ यहाँ पे आके आलू के परांठे, भटूरे, चने सारा ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और सबसे अच्छी बात यहाँ सारा खाना देसी घी में बनता है और प्राइस भी बिल्कुल जेन्युइन है। और आप ट्राई करते हैं हमारी ये चाप। आप ये देख सकते हैं चाम सॉफ्ट है, और ये राइस का मसाला, मसाले एकदम बराबर है, मतलब चटपटा टेस्ट होता है ना, खट्टा मीठा सा टेस्ट, वैसी चाम पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया खाने में। और मैं अपना फूड इंजॉय करती हूँ। आप यहाँ पे स्पेशली भी आ सकते हैं, जम्मू से ज़्यादा दूर नहीं है सांबा वाले, यहाँ पे आके यहाँ पे सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। और संडे को जिनको वहाँ से कूड़ा नगर रावलपिंडी में बैठने की जगह नहीं मिली ना, यहाँ आके आराम से बैठ के इंजॉय करके खाना खा सकते हैं। और मैं अपना खाना सारा ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो आपके फ्रेंड्स को छोले भटूरे परांठे पसंद है या चाम पसंद है, उनको टैग कीजिएगा, उनके साथ शेयर कीजिएगा और उनको बोलिएगा यहाँ ज़रूर आए। Thank you.